आज उन्होंने फिर क्या देखा, जबकि लूटने का टाइम आ गया उन्होंने लूटा। लूटना भी आसान नहीं होता, या आपको जी वार्नर आ गए या स्मिथ आ गए या फलाना आ गया, छक्के मारे उन्होंने फिर चौके छक्के, तो लूटना भी आसान नहीं होता। उन्होंने रन बनाए, ये तो मैं लिख के दे दूंगा आज कि बाबर 500 रन बना देंगे वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ये सोच के भी आ सकती है नथिंग टू लूज, मतलब जब वो वाकई में घुस जाए इस वर्ल्ड कप में, मतलब उनका ये वर्स्ट एवर वर्ल्ड कप हो जाए या तो ऐसी सिचुएशन हो जाए उनकी पाकिस्तान की। डेफिनेटली आज पाकिस्तान के पास सवाल ज्यादा है। जी दोस्तों, अगर आप इस एक मिनट की वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बताते हैं कि कैसे विक्रांत गुप्ता और इनके साथ राहुल बिल्कुल क्रिकेट के ऐन मुताबिक और पाकिस्तान के साबिक हिस्ट्री से बात कर रहे हैं। इन दोनों का कहना था, ख़ास तौर पर विक्रांत गुप्ता का, कि मुझे काफ़ी अरसा हो गया है पाकिस्तान टीम को न्यूज़ के लिए कवर कर रहा हूँ, मेरा तजर्बा है, ये कहता है कि ये टीम भारत में आकर सिर्फ अभी वार्म अप मैचेस में टीमों को दाना डाल रही है और ये सबको दिखा रही है कि पाकिस्तान को इजी होकर खेलें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पर भारतीय टीम को, कि पाकिस्तान को इजी ना लेना, ये एक डीजल ट्रक की तरह वर्ल्ड कप में उतरेगी और जो टीम इसे इजी लेगी उसे रौंद कर रख देगी और वर्ल्ड कप को ले उड़ेगी। विक्रांत गुप्ता ने आज खुलकर तमाम बातें की हैं। क्या विक्रांत गुप्ता का कहना था मज़ीद आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें, शुक्रिया। आज पाकिस्तान के पास, आज क्योंकि वो दो वार्म अप मैचेस हारे हैं और सबसे बड़ी बात आपकी गेंदबाजी, आप उसको बड़ा, आपको उस पर गुमान था कि भाई हमारे पास बहुत दुनिया के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होती जा रही है। अगर आपने शाहीन ने ऊपर से विकटें नहीं ली तो भाई ये जो विकटें आपको मिलनी है सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली इस वक्त इस मौसम में, आपकी कहीं गेंदबाजी आ गई, चेज कर रही है सामने वाली टीम, ड्यू होगा, अगर आपको ऊपर से विकटें नहीं, भाई आप शुरू के 5-6 ओवर ठीक है, उसके बाद आपके अगर ऊपर से विकटें नहीं है, हर टीम चाहे वो कोई भी टीम हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वो भी सब रन बनाएंगे। क्या सर ये फंस गया है पाकिस्तान, क्योंकि अभी हमने शादाब की बात सुनी थी कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि यार जो हैदराबाद की कंडीशंस है सिमिलर टू रावलपिंडी है हमारे लिए, तो रावलपिंडी में भी जब ये खेलते हैं तो रन्स वहां पे भी लुटवा लेते हैं। ये सब देखो, और कहने की सुनने की बातें छोड़ो, और दूसरी बात है यार, आप न्यूजीलैंड को देखो ना, वाई आर वी कन्फाइनिंग द वर्ल्ड कप ओनली टू पाकिस्तान एंड इंडिया, लुक एट ऑस्ट्रेलिया, लुक एट इंग्लैंड, लुक एट न्यूजीलैंड। मैं कहता हूँ मतलब हम यहाँ पे इंडिया में बैठ के ठीक है कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, बट बाकी तीन टीमें कौन सा इंडिया से पीछे हैं, वो ऑन देयर डे न्यूजीलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वो किसी से कम नहीं है यार। न्यूजीलैंड का हमेशा क्या होता है, आईसीसी टूर्नामेंट अच्छा करता है, बट चूंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में है तो हम उनको गिन नहीं रहे थे, अचानक से यार दो दिन में क्या होता है ना, आप कागज़ पर जब टीम देखते हैं वो डिफरेंट होता है, जो आपने दो प्रैक्टिस मैच देखे हैं, अब प्रैक्टिस मैच भी क्या चीज़ है ना, कैसी चिड़िया का नाम है, जब आप जीतते नहीं हो तो आप कहते हो प्रैक्टिस मैच कौन सीरियसली लेता है, लेकिन आप खेलते जीतने के लिए ही। सही बात है, न्यूजीलैंड ने जीतने के लिए दोनों मैच खेले, न्यूजीलैंड ने यह नहीं कहा कि हम आए हैं तो प्रैक्टिस मैच में हम जीतना नहीं चाहते, प्रैक्टिस मैच में कौन सा ऐसा बैट्समैन पैदा हुआ है जो रन नहीं बनाना चाहता, आप मुझे बताइए व्हाट इज प्रैक्टिस मैच। प्रैक्टिस मैच का मतलब है आपको मैच सिमुलेशन ही तो करनी है, आपको वही इंटरनेशनल बॉलर्स मिल रहे हैं, वही मैदान मिल रहा है, कहीं पर क्राउड मिलेगा, आप भाई आप तो मोहल्ले में भी प्रैक्टिस करके मैच प्रैक्टिस करके आते हो ना, तो मिसबा ने कहा था ना जब विराट के रन्स नहीं आ रहे थे कि विराट अगर अपनी क्लब का मैच खेलने चले जाएं वहां पर भी 100 बना दें तो इट विल बी बेटर। तो मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं हूं, इस नोशन को कि प्रैक्टिस मैचेस का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक प्रैक्टिस मैचेस हर प्लेयर चाहता है वो अच्छा करे, हर आज शाहीन शाह अफरीदी नहीं चाहता, मैक्सवेल के जो रन से उनके कॉन्फिडेंस। अब इंडिया का हम बात करते हैं, इंडिया के दो प्रैक्टिस मैचेस नहीं हुए तो इंडिया बड़ा खुश है, नहीं भाई क्यों खुश होगा। हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि जो इंडिया का है जी वर्कलोड मैनेजमेंट, तो जी आपके बट आपको आप तो चाहते थे ना कि आपके बैट्समैन थोड़ा बैटिंग करते, क्यों ना करते, आप तो चाहते ठीक है आप बुमराह से 10 ओवर नहीं डलवाते 4 डलवाते, बट आप कुलदीप से 6 ओवर डलवाते, आप अश्विन से बॉल डलवाते, आप अलग 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 चीजें करना चाहते। श्रेयस अय्यर नहीं चाहते कि मैंने 100 बनाया मैं 2 और मैच खेलता, सूर्य कुमार यादव नहीं कहते यार मैं एक लास्ट मैच में फेल हो गया था मुझे दोबारा, विराट कोहली नहीं चाहते कि यार लो भी मेरा भी एक 100 लिखो, तो ये सारी चीजें तो देखो होती हैं। और प्रैक्टिस मैचेस इज नॉट जस्ट,
अगर टीमें उसको सीरियसली नहीं लेती हैं तो बंद कर दो, सही बात है, तो फिर वार्म अप मैचेस बंद ही कर दो, फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट करो सीधे, तो फिर तो ये जाली नहीं हमें चाहिए, नकली नहीं चाहिए। और न्यूजीलैंड ने दिखाया आपको, उन्होंने लग के दोनों मैच, उन्होंने किसी स्टेज पे ये नहीं किया यार फील्डिंग। अब ऑस्ट्रेलिया को मैंने देखा आज, बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में भी कमजोरी है, वो भी आज उनकी इंटेंसिटी डिप हुई जब आपने चार आउट किए। देखो एक चीज, आपने जितनी टीमें वार्म अप मैच खेल रही हैं वो हर टीम आपको वर्ल्ड कप में तो मिलेगी ना, मिलेगी। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया हो, आज आप 350 रन बनाते हो, सामने वाली टीम के 80 पे चार आउट है, आप क्यों नहीं चाहोगे इसको 145 ऑल आउट किया जाए? क्यों नहीं 200 रन से आप मैच जीत के, फिर जब आपका वो वर्ल्ड कप का मैच है, आप अपने गेंदबाजों को पुश नहीं करना चाहते। बट वो डेविड वार्नर से भी कोई मतलब कोई तुक नहीं बनता। बट मैं अब मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस या फिर हेजलवुड या फिर इन लोगों को क्यों पुश करूं, 10-10 ओवर क्यों करवाऊं इनसे? आई थिंक प्रैक्टिस मैच में मानता हूं आपकी बात, अगर आप कोई भी गली मोहल्ले छत का मैच खेल रहे हो उसमें भी आप जीतने के लिए उतरते हो, प्रैक्टिस मैच है। बट अब जैसे वही है ना, रचिन रविंद्र ने ओपन किया, वो नहीं करेंगे ओपन, बट आपको कुछ चीजें देखनी होती हैं, आपको जो लूज एंड्स कुछ चीजें आपको देखनी होती हैं, ऑब्जर्व करनी होती हैं, मैच सिमुलेशन। आपने फॉर एग्जांपल एक बल्लेबाज को भेजा, कहा जी 350 रन है, आप आराम से खेलो, आप ये रोल निभाओ। आपने कहा कि जी 225 रन है, पर आपसे मुझे चाहिए 20-40 रन चाहिए, आपको और रोल निभाना है इस वक्त, तो वो आप कुछ चीजें देखते हैं। बाकी यह है कि प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि इसलिए आई थिंक इस थोड़ा सा ना अवॉइड। और इनमें क्या होता है कभी कभार ना, आप कुछ दिखाना भी चाहते हो और कुछ छुपाना भी चाहते हो इन मैचेस में। अच्छा मैं आपको बता दूं कि सुपर 11 जो फैंटेसी लीग आई है, आज मैंने पहली बार टीम बनाई थी, वेरी गुड, पहली बार मैंने टीम बनाई थी, और मैं ₹1,000 का कॉन्टेस्ट खेला था, ₹1,000 ही आए वापस, तो मेरा उसमें कुछ कमीशन वगैरह कुछ नहीं कटी है। सो सुपर 11 फैंटेसी जो है, अच्छा बाय द वे इसको डाउनलोड करने का लोग पूछ रहे हैं, ये ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, इस चैट की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। बट कुछ मुझे इशू आ रहा था जैसे, तो उन्होंने कहा है कि जी आप के लिए बेस्ट जो पॉसिबल है राइट नाउ वो है सुपर 11, सुपर 11 मतलब सुपर और उसके साथ 11.games, सुपर 11.games से इसको डाउनलोड कीजिए, वो जल्दी हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐप स्टोर से वो नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्ले स्टोर से नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी अगर जाएंगे तो वो सीधे आपको होम पेज पर ले जाएगा जो सुपर 11, नहीं तो मैंने जो बताया सुपर 11.games, और ये वाहिद ऐसा सुपर 11 फैंटेसी है इस वक्त जो अगर आप 1,000, 100, 10,000, 1,00,000 जो भी कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, ₹1 आपका कटता नहीं है, आप जीतते हो तो वो सारा का सारा अमाउंट यू गेट। बाकी जी अमेरिकन पिस्ताचियोस तो इतने मतलब खा खा के मुझे लगता है कि मेरे में एनर्जी आई है कि आज मैंने कोट ही उतार दिया है, डॉले ऐसे मेरे फड़क रहे हैं आज सर, जो कल से मैं जाऊंगा जिम। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा जो लिंक है वो सुपर 11.games ही है, ओके, तो फिर इजी हो गया है, मतलब आपको बस, बता बस, भी बस, दिया और अदरवाइज इसी चैट की डिस्क्रिप्शन में अगर आप चले जाएंगे तो आपको वो लिंक उसका डाउनलोड करने का मिल जाएगा। ये है जी कहानी, पाकिस्तान जैसा हमने बताया कि लगातार दो अपने वार्म अप मैचेस उनके हुए, सब कुछ हुआ, बारिश भी नहीं हुई, और वो मैच आज मुझे एक चीज ये भी लगा देख के, मतलब जब जितना हम बात करें, मतलब बाबर ने फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि यार मुश्किल में थी टीम, अब वो जो भी कह लो, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलर दे तो दिए उनको कि भैया आप जाओ स्मिथ डालो वार्नर डालो, बाबर ने एक स्टेज तक आपको पहुंचा भी दिया कि भैया यहां तक है, मतलब यहां से भी अगर पाकिस्तान नहीं जीतता ना तो मतलब फिर एक चीज है कि यार किसको देखोगे आप ड्रेसिंग रूम में, किससे क्या बात करोगे, किसको क्या बोलोगे, मतलब खुद में इतने सवाल है ना कि आप यहां से नहीं जीत सकते हो तो फिर आप क्या दो आपको, मतलब कहते ना थाली में सजा के दिया गया था कि यार जाना है और ये करना है और खुद का एक कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा वर्ल्ड कप से पहले, वही वाली चीज है। फैशन स्टेशन जी वो कह रहे हैं पैट कमिंस, फैशन स्टेशन कह रहे हैं पैट कमिंस ने कह रहे हैं आज टेढ़ी टेढ़ी उंगली पर नचाया है पाकिस्तान को, पैट कमिंस ने पूरा ट्रैप किया है पाकिस्तान को, दिस गेम वॉज स्क्रिप्टेड बाय पैट कमिंस, नो वन इज क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया। यार वर्ल्ड कप है और मतलब ये है कि इंग्लैंड ही एक है जो देख के लगता है कि इनको टक्कर देगा क्योंकि उनकी राइवलरी अलग चलती है। इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं राहुल भाई, मेरे को शायद अभी भी लगता है ऑस्ट्रेलिया 60 है इंडिया 40 है अगर ये आमने सामने है तो। आशीष अय्यर बोल रहे हैं शादा खान इज अ परफेक्ट टी20 प्लेयर एज इन नो टेम्परमेंट फॉर मोर देन 24 बॉल्स।
नहीं बट 24 बॉल डालने में राहुल भाई, मैं ये बोलता हूँ कि चलो 24 बॉल आप डालते हो ठीक है अच्छी बात है, पर यहाँ आपको डालना है, बट टप्पा तो मतलब क्या होता है, मतलब टप्पे में तो आप नहीं बोलोगे ना, आप अगर नया बॉल लेके आ रहा है फॉर एग्जांपल शाहीन शाह अफरीदी को देखते हैं, हम ओडीआई का पहला ओवर डालते हैं और T20 का डालते हैं, तो आपका रिदम तो वही होता है ना कि यार पहला ओवर तो मैं उसी एनर्जी, चलो जल्दी से सवाल लेते, आप कई बार बचने के लिए भी निकाल देते हो चार ओवर में कि मैं विकेट नहीं ले पा रहा लेकिन रन कम बचा रहा हूं, लेकिन 10 ओवर में आपको विकेट निकालने वाली बॉल डालनी, चलो जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि इस वक्त मनोज भी लाइव है वहां पर फैंस के साथ, तो जितने सवाल है वो फटाफट से सौरभ ले लीजिए, हैं लीजिए। नायक फ्रॉम मंगल जी है, वो कह रहे हैं इंडिया नीड 60 from 42, 4 विकेट्स रिमेनिंग, जड्डू एंड ऐश क्रीज पे हैं, पाजी आपकी प्रेडिक्शन, सीइंग अदर टीम हैव अ स्ट्रांग, इंडिया अगर 60 रन 42 बॉलों में चाहिए, मतलब आप कह रहे हो 7 ओवर में 60 रन और 4 विकेटें हैं और जडेजा और अश्विन जीत रहे हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट इंडिया यहां से जीतेगा और जीतना चाहिए, तजुर्बा।